Dear friends, hope you all are fine. And today I am going to start a new chapter. That is chapter number 11, marketing management. Okay. When we talk about the marketing management, तो आज हम सीखेंगे marketing management क्या होता है. Okay. अभी तक हमने देखा 1 to 8 chapter में about management and functions. Functions के बारे में. तो हमने 5 functions, important functions थे, वो हमारे 5 chapters थे, वो हमने complete किया. उसके बाद हमने देखा 9th और 10th chapter में financial management के ऊपर कि किस तरीके से हम finance को manage करते हैं जब हम business करते हैं, okay? और किस तरीके से एक businessman को manage करना पड़ता है, चाहे वो debt के through हो, चाहे equity के through हो, okay? और हमने कुछ saving के functions वगैरह भी पढ़े, okay? ये सब के सब chapters ने 1 to 10 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया, ओके? अब एक फ्रेश चैप्टर है आपके सामने, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो आप लोगों को बहुत ही फैमिलियर चैप्टर है, आप लोगों ने बहुत ही, ये जो मार्केटिंग का नाम है बहुत फेमस नाम है और हर बच्चे ने, मुझे उम्मीद है, सुना होगा मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, ओके? फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केटिंग शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम सिंपल से चीज सोचते हैं कि हमें जाना है और सामान खरीद के आना है, ओके? वही हमारे दिमाग में रहता है एज अ कस्टमर, ओके? और अगर हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हम बिजनेस मैन, तो हमारे दिमाग में मार्केटिंग का मतलब क्या आता है हमारे दिमाग में, कि हमें सेल करना है. हमें क्या करना है, गुड्स को सेल करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है किसी भी तरीके से, ओके? तो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है दिमाग में, जनरल कॉन्सेप्ट है जो एक दिमाग में लोगों के बना हुआ है, ओके? तो आइए, लेकिन हम एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स, ओके, बिजनेस स्टडीज के हम स्टूडेंट हैं, तो हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ओके? और मैं आपको बताने, आने वाले समय में जब पास योर 12th क्लास, जब आप 12th क्लास पास करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस समय आपको ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, ओके? जब आप और सीनियर स्टडीज करेंगे, सीनियर क्लासेस में स्टडीज करेंगे, ओके? तो आइए हम इसको चैप्टर सीखेंगे जल्दी से. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ओके? इट रिफर्स टू मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट. यानी मार्केट में जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग में क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, ओके? मार्केट में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, ओके? मार्केट में क्या हो रहा है? लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, ओके? कोई गुड्स है, कोई सामान है, लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ कम सामान है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल वो एकदम नकार देते हैं कि नहीं चाहिए, ओके? तो वो मार्केट से आउट हो जाता है. तो ये सारे के सारे जो मार्केट में एक्टिविटीज हो रही है, इसे मैनेज करने का काम कौन, किसके थ्रू होता है? वही होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट. दैट इज मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर. और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों करते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट करने का सिंपल सा एक काम है कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. एक बिजनेसमैन के हिसाब से अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा जाए तो वो क्या करता है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उन्हें संतुष्ट किया जाए ताकि वो गुड्स को खरीद सके, ओके? कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए. यानी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए और सस्ते दाम में, ओके? सो ये सब चीज, यानी टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर एंड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, यानी दोनों प्रोसेस साथ में चलता है मार्केटिंग मैनेजमेंट. यानी कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ओके, रीजनेबल प्राइस. Producer point of view, okay, accepted by the customer, satisfying the customer. ये होता है producer के concept के हिसाब से, okay? तो मैं marketing management क्या करता है, इसी चीजों को बहुत ही deeply analyze करके आगे बढ़ता है, okay? That is all about marketing management. की मार्केट मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो मार्केट में चल रही है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है, ओके? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि मार्केटिंग, जब हमारे दिमाग में आता है मार्केटिंग, तो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग होता क्या है. मार्केटिंग होता क्या, मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब हमारे दिमाग में आता है अगर कि हाँ भाई, हम एज अ कस्टमर हमें जाना है और मार्केटिंग करना है, सामान खरीद के आना है. प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से अपने जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, सेल करना है, सेटिस्फाई करना है, ओके? सो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटर वांट टू सी हिज प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज, ओके? तो मार्केटर क्या करता है, यानी प्रोड्यूसर क्या करता है, ओके, अपने प्रोडक्ट्स को देखता है और सही तरीके से लोगों को बेचता है और उसे सही सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि लोग उसे इजीली खरीद सके, ओके?
करके टू सेटिस्फाई देम एट प्रॉफिट। और सिर्फ उसे ऐसे बेचने का बेचना नहीं होता, यानी कि सही तरीके से बेचना है कस्टमर के नीड्स और वांट्स को जानकर, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और उसके क्या हो जाए, उसके सम गुड्स को इजिली खरीद ले। ओके, तो एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर होता है? मार्केटिंग और सेलिंग, ओके, दोनों बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बस यही आता है, मार्केटिंग का मतलब ये है सेल करना, ओके, और सेलिंग का मतलब ये है सेल करना, ओके, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बना होता है, लेकिन बहुत ही डिफरेंस है। सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सेल करना, याद रखिए सेलिंग मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, सिर्फ और सिर्फ सेल करना, यानी सिर्फ और सिर्फ बेचना किसी भी तरीके से, चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, कैसा भी हो, बस कस्टमर को सेल करना है, मेन मकसद सेलिंग का वही होता है, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से, ओके, चाहे फोर्स करके, चाहे कुछ भी तरीके से, एडवर्टीजमेंट के कुछ भी तरीके से सेल करना है, ओके, बेचना है, ओके, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मेन मकसद क्या है, सेलिंग करना। बट जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब होता है यस सेल तो करना है बट कस्टमर को सेटिस्फाई करके, ओके, तो मैं दोबारा से बोलूंगा, मार्केटिंग मतलब क्या है कि यस कस्टमर को सेल करना है बट कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, ओके, ये होता है मार्केटिंग। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट आज के डेट में, फॉर एग्जाम्पल आज से अगर हम फ्लैशबैक में जाए 15-20 साल पहले, तो उसने एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि सेलिंग करना है, बस सेलिंग करना है, कैसे भी सामान को बेचना है। बट आज की डेट में जो कस्टमर्स हैं वो बहुत सिंसियर कस्टमर है, वैसे कस्टमर नहीं है जो पहले समय में होते थे, आज के कस्टमर्स पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, ओके, वहाँ प्रोडक्ट किस चीज़ से बना हुआ हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, ओके, तो यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, यस गुड सेल करना है बट कस्टमर को सेटिस्फाइड करके, ओके, दैट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इफ अ क्वेश्चन कम, व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सो व्हाट यू विल से, आप क्या बोलेंगे, यस सेलिंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, ओके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके ही गुड्स को क्या करना है, बेचना है, ओके, दैट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ फीचर्स है मार्केटिंग के। फर्स्ट, जब भी मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो उससे सबसे पहले मार्केटिंग में क्या होता है, नीड्स और वांट्स, यानी कि कस्टमर के नीड्स और वांट्स को देखना पड़ता है। एक बिजनेस में क्या देखता है, जब वो मार्केटिंग करता है तो क्या देखता है, कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, उसके हिसाब से मार्केटिंग करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक सेल्समैन है, वो जाता है मार्केट में गुड्स को सेल करने के लिए, ओके, तो वो क्या करेगा, वो किस तरीके से सेल करेगा, वो क्या करेगा, वो पहले एनालाइज करेगा कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है। ओके, अगर मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर किसी के सर पे बाल नहीं है और आप बोलो कि भाई हम एक बहुत ही अच्छा तेल लेकर आए हैं और आप उसको लगाएंगे तो आपके बाल एकदम काले हो जाएंगे, तो कोई खरीदेगा, एक बेचारे बाल नहीं और ऊपर से आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो कि बाल काले करने के लिए, तो क्या करेगा वो, ऊपर से क्या करेगा, गुस्सा आएगा कि हाँ हमको नहीं चाहिए। वहीं पर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो और आप ये बोलते हो कि ये तेल लगाएंगे तो आपके बाल जो नहीं है, आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, हाँ भाई उसकी नीड्स है, उसकी ज़रूरत है। तो यानी क्या, मार्केटिंग में बिजनेसमैन भी वही करता है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को जानकर फिर वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है, फिर वो गुड्स को क्या करता है, सेल करता है। यानी कि नीड्स और वांट्स को जानना जरूरी है मार्केटिंग करने के लिए। सेकंड, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर, यानी मार्केट ऑफर मतलब क्या होता है, अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट लेकर आता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक ही प्रोडक्ट की हम बात करें तो उसमें वैरायटीज होता है, शेप से लेकर साइज से लेकर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस की बात करें तो आप देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो लो कॉस्ट का भी है और सेम उसी का हाई कॉस्ट भी है। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चिप्स का पैकेट। ओके, चिप्स का पैकेट आप जाएंगे तो 5 रुपीज में मिल जाएगा आपको, ओके, 20 रुपीज में भी मिल जाएगा, 10 रुपीज में मिल जाएगा, 40 रुपीज में भी मिल जाएगा। ओके, सो वो क्या करता है, डिफरेंट प्राइस का लिस्ट बना रखा होगा, वही साइज का हो गया, कोई छोटा पैकेट में है, कोई बड़ा पैकेट में है, ओके, तो साइज का डिफरेंट आता है, शेप का डिफरेंट आता है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, ऑफर करता है, ताकि कि उसका फोकस क्या है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे नहीं है कि हाँ भाई एक ही कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, नहीं, उसका जो मेन फोकस है हर एक तबके के लोग खरीदें। ओके, जो एकदम जिनके पास एकदम लो बजट है वो भी खरीद लें, जिनके पास हाई बजट है वो भी खरीद लें, एवरीवन। यानी इसलिए वो क्या करता है, डिफरेंट वैरायटी शेप्स और साइज लेकर आता है मार्केट में, ऑफर करता है ताकि उसके गुड्स क्या हो जाए,
जल्दी से बिक जाए, ओके। वही मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले नीड्स और दूसरा है क्रिएटिंग मार्केट ऑफर, ओके। नाउ कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, ओके, कस्टमर कब पैसा देगा, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ओके। तो यानी कि क्या होता है, कस्टमर कब पैसा देगा, जब वो सेटिस्फाइड होगा तभी होगा। इसलिए मार्केटिंग, एक बिजनेसमैन क्या करता है, मार्केटिंग के थ्रू उसकी उस प्रोडक्ट की यूटिलिटीज को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अगर कोई एक प्रोडक्ट है उस पर अगर वो कस्टमर को दिया जा रहा है और कस्टमर को ये एहसास होता है कि यस ये मेरी ज़रूरत है, ओके, और इससे मुझे बहुत लाभ मिल रहा है, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है प्रोडक्ट, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको परचेज करेगा। यानी कि वो बिजनेसमैन क्या करता है, यस कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को क्या करता है कि एहसास दिलाता है कि यस दिस इज योर रिक्वायरमेंट, और कस्टमर जब उसको यूज करता है तो उसे ये एहसास होता है कि यस वाकई में ये क्या है, जरूरत है। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केटिंग बिजनेसमैन करता है, ओके। एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है, यस डिफरेंट वैरायटीज के जो गुड्स है उसको क्या करना है, एक्सचेंज करना, यानी कि अल्टीमेट कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, ओके, कस्टमर को प्रोडक्ट्स वगैरह देना है, ओके। तो वो सब तो होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म है, ओके। तो ये होता है ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, यानी सारे के सारे मार्केट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सिंपल से टर्म्स में, यानी कि कस्टमर के नीड्स और वांट को जानकर, उसको उसके वैल्यूज को जानकर, उसके ऑफर क्रिएट कर, ओके, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ओके, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वही है मार्केटिंग, और वही है मॉरल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कि कस्टमर को अल्टीमेट सेटिस्फाई करना, ओके। नाउ अब हम लास्ट इसमें आते हैं, आज का जो लास्ट सेशन में हम आते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड में आने वाला टॉपिक, नियर अबाउट हर साल, ओके। तो देयर इज, देयर आर फाइव कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, पांच कॉन्सेप्ट है, उसी को हम बोलते हैं फिलोसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं, ओके। देयर आर फाइव कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज के, पांच कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, पांच कॉन्सेप्ट्स हैं, पांच फिलोसफीज हैं, ओके। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और इसे जो शॉर्ट डेफिनेशन से वो आप पक्का याद करिएगा, ओके। जब हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जब भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जब ये चैप्टर आपके सामने आएगा और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आएगा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ओके, प्रोडक्शन मतलब क्या है, प्रोडक्शन होना, यानी कि प्रोडक्शन होना। तो जब भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूछा जाएगा आपसे, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू लोअर द कॉस्ट। यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए वैकल्पिक कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग तरीके से लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से हैं, ओके, छोटे बिजनेसमैन भी है, बड़े बिजनेसमैन भी है, ओके, बहुत सारे शहर में बिजनेसमैन है, बहुत सारे गांव में बिजनेसमैन है, किसी कोई बहुत ही मेट्रो सिटी में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है, कोई लोअर लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो अलग अलग, तो हर एक बिजनेसमैन अपना कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। तो ये पांच कॉन्सेप्ट है जो बिजनेसमैन लेकर चलता है, ओके, जिसे क्या करना है, जो जिसके थ्रू से मार्केटिंग करना है। तो कुछ बिजनेसमैन क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, वो सोचते हैं कि एक ही बार में हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। सो दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रीज जो क्या करते हैं, एक ही बार में बहुत सारे जो प्रोडक्शन है उसका जो क्वांटिटी होगा बहुत लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल, आप दुकान में जाएंगे, आप दुकान में जाके अगर आप होलसेल में सामान खरीदेंगे, ओके, होलसेल में आपने बल्क में सामान खरीदा तो क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वहीं पे आप रिटेल शॉप में गए, ओके, और आपने फुटकर में सामान खरीदा, ये क्या दो पैकेट खरीदा, तो अब क्या होगा, तो उसके दाम क्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, लास्ट के प्रोडक्शन करेंगे और कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके, ये आपको याद रखिएगा। सेकंड आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, वो फोकस करते हैं क्वालिटी पे, यानी कि वो कॉस्ट कम नहीं करेंगे पर क्वालिटी हमेशा बरकरार रखेंगे,
क्वालिटी, यानी क्वालिटी पे बोलो एकदम क्या बोलते हैं बहुत रिजिड होते हैं, यानी क्वालिटी पे एक भी कुछ भी बदलाव नहीं, क्वालिटी पे बिल्कुल भी एक मतलब 1% भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। वो मेन फोकस करते जो क्वालिटी पे, कौन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्वालिटी, यानी गुड्स जो होता है क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आप सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी देख लीजिए, ओके नाइक देख लीजिए, रिबॉक देख लीजिए, ओके तो ये सब क्या करते हैं सैमसंग में, सब क्या करते हैं मैक्सिमम क्या करते हैं क्वालिटी पे क्या करते हैं बहुत ही मेन फोकस करते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान हमारे सामने एग्जाम्पल है, जापान की जो भी टेक्नोलॉजीज होती है बहुत ही क्वालिटी बेस्ड होती है, वो क्वालिटी पे बिल्कुल भी क्या नहीं करते, एकदम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते। ओके तो क्वालिटी में बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए क्या होता है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, पर क्या होता है क्वालिटी मिलता है। ओके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, लास्ट में प्रोडक्शन करना है कॉस्ट कम करके। ओके एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्वालिटी पर करना है, प्रोडक्शन ज्यादा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्वालिटी में बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। ओके ना थर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है एनी हाउ किसी भी तरीके से बेचना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेलिंग कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से गुड्स को बेचना। ओके बाय बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से। ओके बस क्या होगा मेन का क्या दिमाग में है कि सामान को बेचना है, गुड्स को बेचना है, तो इसलिए क्या होता है इंटेंसिव प्रमोशनल टूल यूज करते हैं। ओके इसी को बोलते हैं IPT, इंटेंसिव प्रमोशनल टूल यूज करते हैं, यानी किसी भी तरीके से आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जाएंगे, आप जाएंगे बहुत मतलब एक जो फॉर एग्जाम्पल हम अपने एरिया का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एक रेती चौक करके जगह है। ओके तो यहाँ रेती चौक में क्या होता है आप देखेंगे ठेले पे एकदम पूरा पूरा सामान में लगा रहता है। ओके तो वो क्या करता है, वो आप जाएंगे तो वो बस सेलिंग कॉन्सेप्ट है, 50 रुपये भी कम कर देंगे, 100 रुपये भी कम कर देंगे, तुरंत आपको दे देंगे। बट वहीं पर आप किसी अच्छे शोरूम में जाएंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, वो क्या होगा उससे लेके चल रहे हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉटून्स में चले जाएँ, आप रिबॉक के शोरूम में चले जाएँ, तो वो क्या करते हैं वो क्वालिटी पे, वो क्या वो प्राइस पे प्राइस ठीक रहता है। ओके वो तो उसमें वो चेंज में नहीं करेंगे। ओके पर जब हम सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो किसी भी तरीके से सेल करना है। ओके तो उसमें वो क्वालिटी पर फोकस नहीं करते, सेलिंग पर फोकस करते हैं, किसी तरीके से सेल करना। ओके और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती। ओके नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, यस गुड्स को बेचना है, सामान बेचना है, पर कस्टमर को सेटिस्फाइड करके, जो मॉडर्न आज की डेट में जो चल रहा है कॉन्सेप्ट वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ऑटोमेटिकली गुड्स को खरीदेगा, सामान खरीदेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा गुड्स परचेस नहीं करेगा। ओके तो वो होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में वो फोकस करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर के व्यूज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, उसके एनालाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मार्केट में उतारते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। ओके उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल के अनुसार, उनके नीड्स और वॉन्ट्स के अनुसार क्या करते हैं बेचते हैं और गुड्स को सेल करते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके लास्ट है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट, जब हम सोसाइटियल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो भी क्या है, वो इसका बड़ा भाई है। ओके मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है पर एक्सटेंड हम नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि सोसाइटियल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड तो करना ही है, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट क्या करता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है पर एथिकल वे में, एथिकल वे में, ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए सोच रहा है बिजनेसमैन और मालूम चला कि प्रोडक्शन तो बहुत भयंकर तरीके से किया और सारा वेस्ट उठा के क्या कर दिया, जो बगल में खेत वगैरह है, बगल में जो नदी है, नहर है, उसमें पूरा वेस्ट जा रहा है, तो ये नहीं। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या करता है, आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करिए पर एथिकल वे में, ओके यानी कि लीगल तरीके से। ओके अब यानी इस तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ कस्टमर को आप बहुत अच्छा गुड्स दे रहे हैं और मालूम चला उसके अंदर बहुत सारी मिलावटें हैं, ओके बहुत सारा उसमें क्या गया, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारा गलत चीज़ें उसमें डाल प्रोडक्ट को बना रखा है, तो ये क्या होगा, ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट का विरोध में है। ओके सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यस यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर, आपको सेटिस्फाई करना है कस्टमर को, बट कैसे सेटिस्फाई करना है, यस एथिकल वे में, ओके एथिकल बाउंड्रीज के अंदर, वो कहता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ओके तो मुझे लगता है ये 5 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छाप गया होगा, तो इसको आप अच्छे से समझिए और जो मैंने शॉर्ट डेफिनेशन आपको बताया उसको आप पक्का याद करिए और आगे बढ़िए अच्छे से, ठीक है।